स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल ऐसा कितने बार देखा है आपने जब एक ब्यूरोक्रेट ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंट इंडिया में ट्रांसिशन कर रहा हो नेताओं को हम लोगों ने बहुत देखा है फ्रीडम फाइटर्स को बहुत देखा है लेकिन एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जो आईसीएस ऑफिसर भी थे आई ऑफिसर भी थे गवर्नर भी रह चुके और उसके बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिकल पावर के पास नहीं जा रहे थे बट ही वॉज देयर टू मेक सम चेंज द पर्सन हुम आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉक्ड अबाउट टूडे एंड दैट इज वी पी बहुत लोग वी पी को इसलिए जानते हैं कि बिकॉज वो सरदार पटेल के राइट हैंड रहे और इस वजह से रहे क्योंकि भारत के 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने में ये राइट हैंड ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाई थी इतना कि इनके जान पर भी आ चुकी थी और अगर इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको कहूं कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 या जम्मू कश्मीर का भारत में विलय एक्सेशंस या जोधपुर का एक्सेशन या ट्रैवनकोर का एक्सेशंस एक प्रकार से वीपी मेनन के हथेली पर था उनकी जान पर भी था और उनके इंटेलेक्ट पर भी था तो ये कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा अतिशयोक्ति नहीं होगी आप आज सिविल सर्विसेज डे के दिन याद कर रहे हैं वीपी मेनन को जो इंडिया के सबसे पहले रिफॉर्म्स कमिश्नर भी हुए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के सेक्रेटरी भी हुए सरदार पटेल के चोजन सेक्रेटरी हुए और वो एक ऐसे अफसर बन के आगे आते हैं जो शायद इंडिया में नौकर शाहों के लिए एक मापदंड क्रिएट किए हैं मापदंड यानी एक माइल स्टोन फॉर एवरीबडी एल्स टू फॉलो बट डू यू नो वॉट नॉट स्टार्ट हिज करियर लाइक मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया डू आप भी बनने की चाह रखते हैं और आप भी शायद इनके जैसे करियर uh, को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ही स्टार्टेड करियर एज अ गोल्ड माइनर एज अ रेलवे स्टॉकर रेलवेज में जो पटरीज पर uh, एक जमाने में कोल्स की इंजेंस और वैगन्स चलती थी और वहां पर अब वो कोल भरने का काम करते थे uh, तेरह साल की उम्र में जब उनके टीचर ने उन्हें थोड़ा सा प्रताड़ना की केरला में तो वो स्कूल को आग लगाकर भाग के आए हुए थे ही हैड लेफ्ट एवरी थिंग फ्रॉम हिज होम एंड देन स्टार्टेड वर्किंग एज अ पर्सन हु वुड सिट ऑन द स्ट्रीट्स दैट वॉज वीपी फॉर यू मोस्टली फॉन्डली कॉल्ड एज वीपी और साथ ही साथ अपने आप की कोई ज्यादा धारणा नहीं रखते थे अपने आप को बहुत ज्यादा uh, महत्वपूर्ण नहीं रखते थे वीपी कीन टू लर्न इनकी ऊपर जो किताब आई 2022 में इनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर नारायणी बासु ने लिखा और उसमें वो कह रहे थे ही कोटेड हर ग्रेट ग्रैंड फादर दैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू लर्न सो वीपी मेनन केप्ट लर्निंग बींग मेनन ही जस्ट केप्ट लर्निंग सो हाउ डिड यू लर्न फर्स्ट एज अ रेलवे स्टॉकर देन अ गोल्ड माइनर और उसके बाद इंपीरियल टोबैको कंपनी में क्लर्क बनके सो ही ऑल्सो ट्रांजिशन टू बी अ क्लर्क इंपीरियल टोबैको कंपनी आप और हम सब जानते हैं आई टी सी के नाम से और उसके बाद उन्होंने पी सी एस ज्वाइन किया प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज वेर ही गेव एग्जाम ही प्रूव हिज मेटल बीकेम मेरिटोरियस एंड बीकेम अ में पीसीएस नॉट द आई सी एस सडनली सो so, 1914 से वो एक ऑफिसर के रूप में तैनात हुए एंड दैट गेव हिम प्रोक्सीमिटी टू द ब्रिटिशर्स वेर दे सॉ दिस कीन स्टेनोग्राफर टेकिंग वेरी हेडी लाइन बार बार ये कहा जाता था दैट वीपी मेनन स्मोक फिल्ड रूम में जहां पर धुएं ही धुएं रहते थे और ईगोज रहते थे स्मोक फील्ड रूम मतलब एक जहां पर कमरे में डिसीजंस लिया जा रहा हो ब्रिटिशर्स हो और वो स्मोक्स कर रहे हैं स्मोक कर रहे थे सिगार स्मोक कर रहे हो या जो भी आप स्मोक uh, करते थे उस जमाने में uh, वो स्मोक कर रहे हैं और वहां पर बी पी को तो स्टेनोग्राफर का जॉब मिला हुआ था सो ही हैड टू राइट डाउन डिसीजन ड्राफ्ट लेटर्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंडक्ट सम वन और टू लाइनर्स विच वुड नॉट ब्रश द ईगोज ऑफ एनी सो अगर वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वाइसरॉय हैं गवर्नर्स हैं और वहां पर एक स्टेनोग्राफर को एक लाइन जोड़ना है आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सेंसिटिव जॉब में थे एंड दैट टू डीलिंग विद ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो वीपी मेनन सेज इट ऑन रिकॉर्ड दैट आई लर्नड एट अ वेरी अर्ली एज हाउ टू बैलेंस द ईगो एंड द स्मोक फील्ड रूम विथ ईज एंड दैट मेड हिम मास्टर आर्बिट्रेटर कि एक आदमी जो आर्बिट्रेट करके जो संधि Uh, अलाप करके uh, एक देश को या एक को या एक एक प्रांत को को प्रिंसली स्टेट को भारत में जोड़ता है। that was VP so, और भी यान टू द आईसीएस बाय एडविन मॉन्टेग सो मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है जो नहीं पढ़ते हैं वो उनके लिए भी ये शब्द कोई अनसुना नहीं है टे यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया और इनके टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था uh, ये काफी रेशियल व्यक्ति भी हुआ करते थे इनका ये मानना था कि इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ uh, ब्रिटिशर्स के द्वारा आई है और ब्रिटिशर्स ही भारतीयों को पॉलिटिक्स सिखाते रहे हैं और अब वो पॉलिटिक्स की मांग कर रहे हैं यानी कि भारतीयों के बारे में वो ऐसी धारणाएं रखते थे ही प्रोडेड वी सेइंग दैट कि आप कब तक एक स्टेनोग्राफर या एक लेटर ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति बनेंगे हालांकि ये क्वालिटी वी मेनन की बाद में बहुत ज़्यादा काम आती है कैसे काम आती है मैं बताऊंगा आपको द फेमस माउंट बैटन प्लान वी मेनन ने अपने कमरे में बैठ के चार घंटे में बनाया था चार महज घंटे में जिसको पहले मेनन प्लान कहा गया और जैसे ही वो कमरे से बाहर आया और माउंट बैटन का साइन लिया गया उस पर तो वो माउंट बैटन प्लान हो गया बट टॉक अबाउट इट सो वीपी मेन वॉज प्रोडेड इन टू द अपर सर्विस और द हाइय सर्विस मॉन्टेग और मॉन्टेग इस बात को बार बार कह रहे थे कि वीपी लंबा जाएंगे और वो लंबे गए इनफैक्ट वॉइस रॉय लिलित को वॉइसरॉय वेविल और बाद में मॉन्टबेटन इन तीनों वॉइस रॉय के अंदर इन्होंने सक्सेसिवली काम किया ये बताना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए समझना यह जरूरी है कि कितने महत्वपूर्ण टाइम पीरियड में वीपी मेनन वाज ऑफिशिएटिंग द हाईएस्ट कमांड्स ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया द फैक्ट दैट लिनलिथ गो 1940 से लेके 1946 तक ये तीनों वॉइस रॉयस के अंदर हुए हैं यानी कि इन्होंने हेडी डेज देखा है क्विट इंडिया मूवमेंट का और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट में जब अंग्रेज़ों ने यह तय कर लिया था कि भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर देकर आज़ाद करना है तब भी वीपी पी वहां पर मौजूद थे सो दैट इज़ द ट्रांजिशन पीरियड वेर ही वॉज ओवर सीइ इट सो फ्रॉम वनस अपॉन अ टाइम वीपी पी अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की किताब में थ्रू इनडायरेक्ट रेफरेंसेस कहते हैं कि वो होम डिपार्टमेंट में तो नहीं थे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट थे लेकिन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट पर रहते हुए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारे भारतीय नेताओं को जेल जाते देखा एंड दैट ही सेज वाज नॉट एट ऑल अ कन्वर्सेशन टू हैव विथ विद ब्रिटिशर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स भी ये जानते थे कि जिन लोगों को वो आज जेल भेज रहे हैं कल उन्हें नेगोशिएशन टेबल्स पर बैठाकर बात करनी होगी वीपी मेनन वॉसिफरसली वॉज अगेंस्ट दिस एंड ही नेवर एवर यू नो शॉर्ट सेल्फ और रिस्ट्रेंड हिमसेल्फ हिमसेल्फर स्पीकिंग हिज माइंड वीपी मेनन अपनी बातों को बहुत अच्छे से और सलीके से रखते थे और उनकी बातें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, स्टार्टिंग के तीन वॉइस रॉयस को वो सर्व कर रहे थे एंड देन आई सेड यू द द प्लान प्लान और और माउंट इट सो हैपेंड दैट जब 1946 47 के बीच में ये तय ही नहीं हो रहा था कि भारत का विभाजन करना है भी कि नहीं जब लॉर्ड माउंट बैटन भारत में आते हैं तो यह तय किया जाता है कि भारत का विभाजन होगा और इस तय करने की परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना और साथ ही साथ गोपाल स्वामी अयंगर उस कमरे में बैठे हुए थे विद द परमिशन ऑफ गांधी दैट माउंट बैटन ने यह सहमति अपनाई और यह कहा कि टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड जब इतनी बात कही गई और इस पर आम सहमति हुई देन इट वॉज मेंशन टू मेन टू गो एंड प्रिपेयर द प्लान द वेरी सेम मोमेंट मेनन ने चार घंटे का समय लिया और वो चार घंटे ये सारे के सारे स्टॉलवर्ड्स बाहर कमरे में बैठे थे मेनन अंदर कमरे में बैठे थे उन्होंने बाउंड्री कमीशन और साथ ही साथ प्लान ऑफ़ प्रिंसली स्टेट्स टू आइदर ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान ये फॉर्मुलेट किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट किया और उसके साथ वो कमरे के बाहर आते हैं उनके हाथ में एक तरफ प्लान ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर था जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 भी बनता है और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था विच वॉज काइंड ऑफ अ डेड लेटर टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट डेथ वॉर लेटर कि सारे के सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होता था इन ऑर्डर टू हैव एन एक्सेशन टूवर्ड्स इंडिया साथ ही साथ एक तरफ उनके हाथ में उनकी फेमस सिगार भी थी जो वो चार घंटे तक स्मोक करते रहे और ड्राफ्ट बनाते रहे नथिंग शुड भी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ increasing द एमिनेंस ऑफ स्मोकिंग और एनीथिंग लाइक दैट ये एक आम प्रचलन उस समय हुआ करती थी रिसर्च इतना ज़्यादा थे नहीं कि वो स्मोकिंग और कैंसर को एक साथ जोड़ सके बहरहाल ही डाइड पीसफुली एट द एज ऑफ 65 फाइव इन इंडिया सो मेन इन प्लान और माउंट बेटन प्लान वी ऑलवेज सी दैट ब्यूरोक्रैट्स ड्राफ्ट द प्लान एंड देट वॉज वी पी मैन फॉर यू माउंट बेटन वॉज नॉट अ ब्यूरोक्रैट माउंट बैटन हमेशा से एक एडमिनिस्ट्रेटर और साथ ही साथ मिलिट्री कमांडर भी रहे माउंट बैटन बाद में बर्मा में उनका होता है बट माउंट बैटन हैड ह्यूज थिंग्स टू से अबाउट मेनन मेनन इनफैक्ट के मेंटर्स इस समय तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहे और इंडियन लीडर्स मेनन को बहुत नजदीकी से देख रहे थे इस समय आप यहां पर देख सकते हैं वीपी मेनन को माउंट बैटन के साथ और गोपाल स्वामी अयंगर के साथ जस्ट ऑन द इवनिंग ऑफ द डे माउंट बेटर प्लान वॉज अप्रूव दैट मेन आइज ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर हिमसेल्फ इंपॉर्टेंट गोल था वो थारण करना द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत में पांच सौ पैंसठ से ज्यादा इंडियन प्रिंसली स्टेट को एकाक्री कैसे किया जाए इंटीग्रेट कैसे किया जाए इसके लिए जिन व्यक्ति को चुना गया वो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बना और उस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के जो मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही व्यक्ति को चुना एंड दैट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द वे सो एक ही व्यक्ति को चुना गया इस प्रोसेस के लिए और वो थे वीपी उनको फॉन्डली वीपी कहा जाता था वीपी को बुलाया गया और वीपी अपनी किताब में भी कहते हैं जब उन्होंने लिखा द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कि जूनागढ़ की बात हो या हैदराबाद की बात हो वो सीधे तौर पर सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे लेकिन जहां तक कश्मीर की बात होती है वो नेहरू की अपनी निजी बहुत ही चेस्ट के क्लोज उनके दिल के क्लोज की इशू थी इसीलिए कश्मीर के इशू को नेहरू और माउंट बैटन डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे दिस एक्सप्लेन अ लॉट दैट वाई कश्मीर इशू वॉज जंबल्ड अप टिल दब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल थ्री सेवेंटी थ्री so, सेवेंटी के ऊपर भी मैं आऊंगा तो so, हुआ ये कि नेहरू माउंट बैटन ये कश्मीर की जो स्टोरी है वन मैन मिशन की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट अगर इस पर कोई फिल्म बन भी सकती थी तो बहुत अच्छे से बनती लेकिन मैं इस तीन दिनों की रशाकशी को कश्मकश को इस तीन दिनों की वेपी मेनन की इंटेलेक्ट को आपको बताना चाहता हूं जो तीन दिन की मैं बात कर रहा हूं वो है 25, 26 और 27 अक्टूबर ऑफ ऑफ 1947। 1947 व्हाट व्हाट हैपेंड हैपेंड सो इज दैट टिल टाइम पीरियड अगस्त कश्मीर जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीनों डिसाइड नहीं करते हैं कि ये भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट भी रहेंगे ऑब्वियसली जूनागढ़ और हैदराबाद के मंसूबे मन, जो थे वो कुछ अलग थे बट नवर द लेस वी इन अ वेड एक्सेशंस ऑफ हैदराबाद आफ्टरवर्ड्स इन द सेंस दैट पुलिस एक्शन के थ्रू ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद का एक्सेशन होता है जूनागढ़ में प्लेबिसाइट होता है और वहां पे लोगों की सहमति से एक्सेशन होता है हैदराबाद में भी लोगों की सहमति ली गई थी बाद में निजाम ने एक्सेशन पर साइन किया लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ जैसा सिंगल स्ट्रेट मैटर कश्मीर कभी नहीं था कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह उस समय हरी सिंह डोगरा इस बात पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या भारत में रहेंगे पाकिस्तान जाने का उनका कोई मंसूबा था भी नहीं वांटेड टू हैव लेवरेज और उन्होंने इसी चक्कर में अगस्त तक भारत में विलय नहीं किया भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की उसके बाद अगस्त के बाद सेप्टेंबर और अक्टूबर से पाकिस्तान के तरफ से घुसपैठिए आना कश्मीर में शुरू हो गए यहां तक कि कश्मीर के इंपॉर्टेंट टाउन्स जैसे कि बारामूल्ला हो या नॉर्दर्न कश्मीर के टाउन्स हो अनंतनाग हो शोपियान हो वहां तक घुसपैठिए इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल्स विच वर नथिंग बट पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स वो आकर इन सारे टाउन्स को कैप्चर कर रहे थे इन सारे टाउन्स में आगजनी लूटमारी रेप्स एबडक्शंस मर्डर्स ये सब कुछ हो रहा था यहां तक कि बारामुल्ला से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जाती थी श्रीनगर उसे भी काट दिया गया था एंड देर वॉज ग्रेव सिचुएशन महाराजा हरि सिंह वॉज गिविंग एसओ एस टू द डिफेंस कमिटी इन डेली डेली में जो कैबिनेट की डिफेंस कमेटी हुआ करती थी उसके मेंबर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल माउंट बैटन नेहरू गोपालास्वामी आयंगर सरदार बलदेव सिंह जैसे लोग हुआ करते थे जो डिफेंस मिनिस्टर थे शनभुघन चेट्टी जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तो पांच सात लोगों की एक कमेटी हुआ करती थी डिफेंस कमेटी द एवर मोर एम्पावर्ड डिफेंस कमेटी विच वॉज रिलेटेड टू टेक डिसीजन्स विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इसी डिफेंस कमेटी ने सबसे पहले माउंट बेटन की तरफ से वीपी मेनन को 25 तारीख को दिल्ली के एयरपोर्ट से श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भेजा 25 तारीख को इनकी ये एक मेंबर की मिशन थी एक मेंबर और यही सिर्फ बताया गया था कि महाराजा हरि सिंह की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि इंडिया के तरफ से हम सेना भेजे कि नहीं आप प्लीज जाइए और देखिए कि वहां पर हालात कैसे हैं पच्चीस तारीख को वीपी मेनन श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरते हैं टू हिज हॉरर्स ही सीज हीट देर आर स्मोक्स कमिंग आउट एयरपोर्ट सो एयरपोर्ट के चारों तरफ से स्मोक्स आ रहे हैं। वो महाराजा से मिलते हैं श्रीनगर के पैलेस में मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका यहाँ पर एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए और मैं वहां से सेना भेजता हूँ वीपी मेनन को यह बताया गया कि प्लीज आप सेना भेजिए और हम भारत या भारतीय गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है सिर्फ यहाँ तक महाराजा हरि सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर की तरफ से मेहर चंद जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे महाराजा के डिप्यूटेड लेफ्टिनेंट थे वो भी वीपी मेनन के साथ वापस दिल्ली आते हैं 25 तारीख की शाम को वीपी मेनन डिफेंस कमेटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहां के हालात अच्छे नहीं हैं महाराजा ने कहा है कि पहले भारत सरकार मदद भेजे और उसके बाद जो है वो नेगोसिएशन शुरू हो जाएंगी माउंट बैटन एंड नेहरू बोथ ऑफ देम डिफेंस कमेटी से इंग दैट कि जब तक महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे एक भी भारतीय सैनिक श्रीनगर की धरती पर कदम नहीं रखेगा वहां के चीफ कमांडर इन चीफ उस समय जो यान कॉपलैंड हुआ करते थे उन्होंने भी Uh, इसी बात की पुष्टि की दैट विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सचुएशन अगर भारत के सैनिक वहां पर कदम रखते हैं सो दिस विल बी अ ट्रांसग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड दैट वी कैन बी बॉट टू द कोर्ट बाय पाकिस्तान सो so हम ऐसे इलीगल मूव नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ महाराजा हरी सिंह वापस वीपी मैनन को छब्बीस तारीख को भेजा गया उन्होंने 26 तारीख की जो घटना थी वो जो बताई वो बहुत ही मार्मिक है 26 तारीख को उन्होंने पाया कि महाराजा श्रीनगर से नहीं अब जम्मू से बात कर रहे थे तो श्रीनगर से सेफ्टी से के लिए जम्मू में आ चुके थे और जम्मू में उन्होंने अपने एडीसी को अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट को एक इंस्ट्रक्शन दिया था जब वीपी मेनन समर पैलेस पहुंचे जम्मू में तो वहां पर उन्होंने देखा कि महाराजा अपने कमरे में सोए हुए हैं वीपी मेनन चौके उन्होंने कहा कि महाराजा दिन के इस वक्त क्यों सोए हुए हैं प्लीज टेल हिम दैट आई हैव कम विथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एडीसी ने कहा कि आपको निर्देश है महाराज का कि आप स्वयं उनको जाकर उठाएं वीपी मेनन वाज लाइक कि ऐसा क्यों व्हाई शुड आई डू दैट प्लीज गो अहेड एंड डू दैट योरसेल्फ उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त जा सकता हूं अगर आप नहीं आते तो यानी कि महाराजा ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी और वो इंस्ट्रक्शन क्या थी वो इंस्ट्रक्शन को मैंने डिटेल्ड फॉर्म में यहां पर लिखा है वो इंस्ट्रक्शन ये थी कि अगर वीपी मेनन नहीं आते तो आप मुझे नींद में गोली मार देना यह महाराजा हरि सिंह ने अपने एडीसी को कहा और अगर वीपी मेनन आते हैं तो भी मुझे मत जगाना बिकॉज अगर वो आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर आएंगे और उसके बाद भारतीय सेना भी आएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा इसीलिए वीपी मेनन को ही मुझे जगाने देना प्लीज डोंट एवर कम बैक टू मी उन्होंने अपने पॉलिटिकल एडीसी को कहा कि अगर मैं आपका चेहरा सोने के बाद वापस देख रहा हूं तो इसका मतलब यह कि घुसपैठिए जम्मू तक आ चुके होंगे और इन दैट केस प्लीज शूट मी वाइल प्रिंसली स्टेट के रूलर के लिए कहना यह दर्शाता है कि सिचुएशन कितनी ग्रिम थी हैपन महाराजा हरि सिंह वॉज वोकन विद अ स्माइल एंड विथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन इज लेटर्स हैंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रॉम्प्टली साइन किया जाता है वी मेनन 26 तारीख को वापस जाते हैं 27 तारीख को वहां से इंडियन आर्मी श्रीनगर में उतरना शुरू करते हैं और जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर को वापस घुसपैठियों से आज़ाद करने का काम करते हैं दिसंबर तक ये काम चलता है और उसके बाद ये मामला यू में माउंट बैटन के कहने पर उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ले जाते हैं उसके बाद की कहानी आप सबको अच्छे से पता है नहीं होते अगर पटेल उन्हें मेंटोर नहीं कर रहे होते बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो पटेल के अंदर ही थे यानी कि गुजरात में ही थे बताया यह जाता है कि 300 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट सिर्फ और सिर्फ गुजरात और राजस्थान को मिलाकर हुआ करते थे सो पटेल एक साउथ इंडियन ब्यूरोक्रेट को भी ट्रेन कर रहे थे हाउ टू डील विद प्रिंसली स्टेट्स इनफैक्ट बहुत सारे कंसेशन जो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए जैसे प्राइवी पर्स मेंटेनेंस ऑफ द ज्वेलरीज एक्सेट्रा वो सब कुछ वीपी मेनन के कलम से निकलता था

एक लीगैलिटी को मेंटेन किया भारत के इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के एनेक्सेशन में कोई अड़चने ना आए कानूनी अड़चने ना है, उसको मेंटेन किया लेकिन वीपी मेनन कभी कभार मैंने आपको कहा था कि जान हथेली पर भी रखते थे तो एक प्रिंस एक पिस्टल और वीपी मेनन की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, हुआ ये कि जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह को एक्सेशन ऑर्डर साइन करना था ये जोधपुर का उमेद भवन पैलेस है बिगेस्ट पैलेसेज मॉडल्ड ऑन द राष्ट्रपति और जोधपुर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री पे भी हुआ करता था तो धमकी देता था अंडर महाराजा हनवंत सिंह कि वो पाकिस्तान में भी जाके विलय कर लेंगे इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर को ये तक कहा था कि कराची में उन्हें एक पोर्ट दिया जाएगा और साथ ही साथ सिंध के साथ रोडवेज भी दिए जाएंगे ताकि जोधपुर जो है आ, अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत के बिना काम चला ले अब ऐसे में इस लेटर को लेकर महाराजा हनवंत सिंह इंडिया को बार बार ब्लैकमेल किया करते थे और वीपी मेनन इस चीज से काफी परेशान हो चुके थे उन्होंने वीपी मेनन की और माउंट बैटन की मीटिंग फिक्स करवाई माफ करिएगा हनवंत सिंह की और माउंट बैटन की राष्ट्रपति भवन में मीटिंग फिक्स करवाई मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि महाराजा हनवंत सिंह विद ऑल स्पेशल ऑनर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इस प्रॉपर्टी अलोंग विद प्राइवी पर्स विल एक्सीड इन टू इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनके सामने रखा गया और यह कहकर माउंट बैटन वापस चले गए उसी कमरे में बैठे थे वीपी मेनन और हनवंत सिंह जब उन्हें साइन करने का मौका मिला तो वो साइन कर रहे थे और वीपी मैन उन्हें डिक्टेट कर रहे थे कि सर आप यहाँ पे साइन करेंगे आप यहाँ पे साइन साइन करेंगे करेंगे आप पे करेंगे। जैसे ही वो ये कहने लगे हनवंत सिंह ने उस पेन को खोला और वो पेन एक्चुअली पॉइंट टू टू की राइफल थी दिस वॉज जस्ट अ पिस्टल जो कि पेन कम पिस्टल भी थी और उन्होंने वो सीधा वीपी मैन के सामने तान दी और कहा वीपी मेनन वॉज इन अ बिट ऑफ शॉक एंड ही नोट्स दैट मैंने हनवंत सिंह को आगाह किया कि अगर वो भारत के नौकरशाह को थ्रेटन कर रहे हैं और थ्रेटन के करने के बाद मार भी देते हैं तो उनका कुछ नहीं जाएगा यानी कि वीपी मेनन का कुछ नहीं जाएगा बिकॉज़ वो कह रहे थे कि मेरे साथ मेरे बाद बहुत सारे नौकरशाह यहां पर आएंगे मैं एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने वाला हूं ना कि एक मोनार्की को और ऐसे में आपकी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तें हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी और जोधपुर का भारत में विलय होना तो पक्का है यानी कि आपको अपने स्पेशल पावर्स ऑनर्स और राइट्स भी नहीं मिलेंगे और बाद में आप जोधपुर को देना भी आपके लिए जरूरी होगा एक मेनन चला जाएगा तो क्या हुआ उसके जगह पे दूसरे नौकर शाह भी आएंगे और वो भी यही काम करेंगे जितने में वो कह रहे थे पीछे से वापस माउंट बेटन आते हैं वो ये देख हैरान हो जाते हैं कि हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन पर गोली तानी हुई है उन्होंने कहा कि आप ये कर क्या रहे हैं वॉट डू थिंक दैट यू आर डूइंग हनुमंत सिंह ने uh, अपने आप को विड्रॉ किया और कहा कि सर एक्चुअली दिस इज अ गिफ्ट विच आई बॉट इट फॉर यू और इस तरीके से ये सेंसिटिव मामला सुलझ गया कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स की जिंदगी की अगर 360 सिक्सटी डिग्रीज रिव्यू की जाए तो वीपी मेनन ने सब कुछ देखा एंड आइडियली स्पीकिंग वीपी मेनन वाज़ द फर्स्ट इंडिया अप अ माइलस्टोन आउट देयर आफ्टर गेटिंग इट सेड दैट कांग्रेस ने वीपी मेनन को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ सरदार पटेल वीपी मेनन बहुत ही शॉर्ट समय के लिए उड़ीसा के गवर्नर रहे में उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए आफ्टर असफ अली एट दैट पॉइंट और उसके बाद वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए सी राजा जी इन साउथ इंडिया जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव किया करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े इनफैक्ट यही राजा हनवंत सिंह ने वापस वीपी मैन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में यह था कि आप क्यों ना जोधपुर के एक सेफ सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े होते हैं और मैं वो सीट आपको जितवाऊंगा वीपी मेनन ने काफी इस आग्रह को मना किया और कहा कि ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। शायद आज के ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये काफी सोचने और समझने की बात है वीपी मेनन हु सॉ हिस्ट्री अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ हिज आइस सो दिस वॉज अ वेरी इफ आई वुड से इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ अ वेरी टर्निंग ऑफ एज इज ब्यूरोक्रैट फॉर यू अगर कोई ब्यूरोक्रैट आप चाहते हैं कि वो आपका आइडियल बने तो वीपी मनन की जीवनी जरूर पढ़िएगा माई नेम इज आशीष आशा करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी नॉट जस्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विथ आर जी एस फाउंडेशन बैचेस ऑफ पी टू आई इंग्लिश बैचेस बुक्स सेट नाउ पहले बुक्स के सेट नहीं होते थे अब हम आपको बुक्स यानी कि एक ही साथ सारे सारे मौजूद कर रहे हैं दिस इज बैच दैट मीन इट कवर्स यूर फिल्म प्रिपरेशन इन ऑफलाइन मोड एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑल्सो डोंट फर्गेट द्ञानवाणी सेगेट द रिसेंट रिजल्ट विच शोज मोर देन वन ट्वेंटी प्लस सिलेक्शन फ्रॉम स्टडी एट सो टेक यूर डिसीजन To be with the best available option here. This is all that you have to pay, provided you use the code ASHLive or be Hindi ke courses, ke liye, ya English ke courses ke liye, also you can join. The batches are also available with that. If you want to have a long-term course, like if you are aiming for 2026, that courses are also available with a lesser price out there. Again, use the code ASHLIVE. If you have any doubts, any questions, or if you want to interact with me. Of course, the Telegram channel is always available with you. I'll be more than happy to interact with you, answer your questions. I particularly take history at StudyIQIS. I hope to see you in the class. Thank you. StudyIQIS. Yarihui. Affordable.